हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टीसीएस एनक्यूटी रिजल्ट वीडियो आ चुकी है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी टीसीएस एनक्यूटी कट ऑफ वाली, जिसके अंदर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको 30 कमेंट्स करनी है, एंड फाइनली उस पर 30 कमेंट्स हो चुकी है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टीसीएस एनक्यूटी रिजल्ट वीडियो आ चुकी है। अब आज की वीडियो एंड तक देख लेना, हर एक चीज बताने वाला हूँ, आपकी रिजल्ट डेट बताने वाला हूँ, आपकी कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ, एंड विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आपके इंटरव्यूज हो गए, सो इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना, 10-15 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। अगर आप इसको एंड तक देख लोगे, सारी चीजें समझ लोगे, आपको चीजें समझ आ जाएगी। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी प्रायोरिटी बेसिस पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आने वाली है, इंटरव्यू रिसोर्सेस आने वाले हैं, मल्टीपल वीडियोस आने वाली है, चाहे वो आपकी ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चन हो, डीबीएमएस, एसक्यूएल, काफी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिजल्ट डेट के बारे में। अब जैसे आपको एक चीज यहाँ पे दिख गई होगी, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड फेस वाइज। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट फेस वाइज अनाउंस होगी, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो एग्जाम हुए हैं वो फेस वाइज हुए हैं। अब रिजल्ट की अगर हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि कब तक रिजल्ट आ सकते हैं, अगर मैं 2023 का एनालिसिस करूं, अगर मैं 2024 का एनालिसिस करूं, तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 15 मार्च में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया है, ठीक है। 26th में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। मार्च के अंदर बहुत सारी डेट्स पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। आपने सेंटर पे जाके एग्जाम दे के आए होंगे। अब काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। सो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूं, अगर मैं पिछले साल एंड उससे पिछले साल 2023 एंड 2024 आपके सीनियर के बैच के अंदर कंपैरिजन करें एंड एनालिसिस करें, सो वहां पे अगर हम देख सकते हैं 25-30 डेज के अंदर आपके रिजल्ट डिक्लेयर होगी। एंड ये बात याद कर लेना, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड फेस वाइज। कुछ स्टूडेंट्स क्या जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स वेट करेंगे कि भैया हमारे रिजल्ट नहीं आए। सो ये चीज मैं आपको पहले बताता हूँ, जो रिजल्ट आपके अनाउंस होगे वो फेस वाइज अनाउंस होगे। अब हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि जिन्होंने 15 मार्च के अंदर एग्जाम दिया है, 26 मार्च के अंदर एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट बाई 30 अप्रैल तक आ जाना चाहिए, ठीक है। इस मंथ के एंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड अब आपको अपने इंटरव्यू पे भी काम करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे भी काम करना है, बिकॉज आपका नेक्स्ट फेज, देखो आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया, अपने फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन, कोडिंग राउंड, निंजा प्रोफाइल पे मोस्टली स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है। अगर आपका एवरेज भी गया हो तो आपको एटलीस्ट निंजा के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। सो आपको अभी से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़नी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपको इंटरव्यू टॉपिक्स मिलने वाले हैं कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। एंड अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि निंजा के लिए क्या कट ऑफ चाहिए, डिजिटल के लिए क्या चाहिए, प्राइम के लिए क्या चाहिए। बट एक एक चीजें बताने वाला हूँ, एक एक चीज समझ लेना। सबसे पहले रिजल्ट, रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 अप्रैल तक, कि 30 अप्रैल तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने की प्रॉबेबिलिटी है। अगर हम 2024-2023 प्रीवियस ईयर एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर वन मंथ के अंदर रिजल्ट आउट हो चुके थे, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे रिजल्ट आउट हो गए एक सेपरेट वीडियोस पे मैं बना दूंगा। अब आप लोग के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बता देता हूँ, रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपना रेज्यूमे अच्छी तरीके से बना लेना है। अपना रेज्यूमे कैसे आप चेक करा सकते हो, मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। ये आपके लिए बिल्कुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो आपके रेज्यूमे को अपस्केल कर देगा। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। गाइस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, प्रेपनेस्ट पे आपको डायरेक्टली आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है लॉगिन के सेक्शन पे, पहले आप साइन अप कर लेना, मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये प्लेटफॉर्म आपकी प्लेसमेंट के अंदर हेल्प करने वाला है, ठीक है। चाहे आपका टीसीएस का हो, चाहे आपका किसी भी कंपनी का हो, आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आप एआई रेज्यूमे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट फ्री ट्रायल है आपका। पहले यहाँ पे आपको जॉब रोल सेलेक्ट कर लेना, आपको किस रोल पे जाना है, बैकएंड इंजीनियर। फिर यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे, अभी मैं एक पीडीएफ अपनी दिखा देता हूँ आपको, अब जैसे आपने यहाँ पे अपना रेज्यूमे सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं रेज्यूमे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे आपने अपलोड करा अपना रेज्यूमे, अब ये रेज्यूमे आपको बता देगा, यहाँ पे सबमिट पे आपको जाना है। अब ये रेज्यूमे आपको बता देगा
कि ये रेज्यूमे आपका कितना परफेक्ट है एंड जो भी इसके अंदर मिस्टेक्स होगी वो ये बता देगा क्या क्या चीज आप एड ऑन कर सकते हो। जस्ट टेक्स 30 सेकंड, ये आपकी 30 सेकंड लेने वाला है एंड ये एनालाइज करके अभी आपको दे देगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ चुका है रिजल्ट, ओवरऑल स्कोर आया है 56, ठीक है। अब ये स्कोर जितना अच्छा होगा उतना आपका रेज्यूमे परफेक्ट है। यहाँ पे बेसिक्स, अब हर एक उसका यहाँ पे सेक्शंस है, बेसिक्स में आपको 30 में से 24 मिला है, इंपैक्ट कितना इंपैक्ट दे रहा है 14 यहाँ पे स्कोर मिला है 30 में से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कैसे फॉर्मेटिंग किया, कैसे स्ट्रक्चर किया है, रेलिवेंस 0 क्योंकि ये बैकएंड इंजीनियर का ये रेज्यूमे नहीं था, यहाँ पे बैकएंड इंजीनियर की चीजें मेंशन नहीं थी, दैट्स व्हाई इट्स गिवन रेलिवेंस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 0 दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे आप चीजें भी एड ऑन कर सकते हो या आप चीजें पढ़ सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। अब नेक्स्ट सेक्शन इसका क्या होने वाला है, AI इंटरव्यू, आप TCS का इंटरव्यू हो, किसी का भी आपका इंटरव्यू हो, आप यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस पे जाके अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप रिसोर्स ऑफ मेंटरशिप एंड जॉब्स, अब ये मेंटरशिप एंड जॉब्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका रेज्यूमे स्कोर 75+ है, इंटरव्यू स्कोर 65+ है तो आप एक माइलस्टोन अचीव कर लोगे, आपका ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मेंटोरशिप ले सकते हो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, बड़े बड़े एक्सपर्ट से, बड़ी कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे एंड ये डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल को रिक्रूटर्स को देंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है, सो काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनके प्लान्स के बारे में कि भैया क्या चार्ज ये लेने वाले हैं। एक बार हर एक स्टूडेंट्स को ट्राई करना है, फ्री ट्रायल रहने वाला है, उसके बाद आपका प्लान रहने वाला है कोर्स स्टार्टर 550। देखो ये ऐसी अमाउंट है लेस देन अ पिज्जा, आप पिज्जा भी खरीदते हो बिल्कुल पिज्जा की प्राइस पे ये आपको मिलने वाला है। एंड ये देखो आप किसी भी चीज पे अगर अपने पढ़ाई पे अपनी प्लेसमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो सो वो पैसा आपको रिटर्न काफी ज्यादा देगा। सो यहाँ पे 550 का प्लान रहने वाला है, AI रेज्यूमे फीडबैक जिसके अंदर 10 अटेम्प्ट मिलने वाले, 10 बार आप अपने रेज्यूमे को वहां पे अपलोड करके चेक करा सकते हो, 4 आपको इंटरव्यू फीडबैक मिलने वाले, 4 बार आप अपने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हो जस्ट 550 रुपीज में। एंड ये ड्रीम जॉब का पैकेज है, बट मैं एटलीस्ट कहूंगा कि 550 वाला हर एक स्टूडेंट्स को ले लेना, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ये 550 वाला आप लोगे, 10 बार अपना रेज्यूमे आप सही करा सकते हो, 4 बार इंटरव्यू दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिंगल लेना है तो मेंटोरशिप सेशन का अटेम्प्ट 300 में, 5 अटेम्प्ट आपको रेज्यूमे के 150 में मिल जाएंगे, AI इंटरव्यू के 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, बट जो आपका फायदेमंद चीज है वो आपका कोर्स स्टार्टर है। 550 रुपीज के अंदर आपको 10 रेज्यूमे मिलने वाले हैं, 4 मॉक इंटरव्यूज मिलने वाले हैं एंड जैसे आप एक अच्छा स्कोर रन करते हो फिर आपका मेंटोरशिप वाला प्लेटफॉर्म भी अनलॉक हो जाएगा। सो अभी के भी जाओ एंड अपना प्लान ले लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पिन कमेंट के अंदर लिंक मेंशन कर दिया है। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं निंजा कट ऑफ की, निंजा के अगर हमें निंजा प्रोफाइल पे जाना है तो वहां पे क्या कट ऑफ रहने वाली है। फाउंडेशन सेक्शन की बात करूं तो फाउंडेशन सेक्शन जिसके अंदर आपके वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन थे, अगर वहां पे आपने 50-60% भी क्वेश्चन सही किए होंगे एंड एडवांस सेक्शन बिल्कुल नल, बहुत सारे भैया दीदी आपको बोल देगी कि एडवांस सेक्शन भी नेसेसरी है, बट निंजा के केस में एडवांस सेक्शन नेसेसरी नहीं है। अगर आप डिजिटल या फिर प्राइम प्रोफाइल पे जाओगे तब आपको एडवांस सेक्शन की नीड पड़ेगी। कोडिंग राउंड नल, अगर आपने एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया है तब भी आपको निंजा के लिए कॉल आ जाएगी। बस आपके फाउंडेशन सेक्शन में 50-60% एंड ये कट ऑफ थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं डिजिटल कट ऑफ पे एंड पर्टिकुलर की कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, सेपरेट वीडियो मैंने बना दी थी। फाउंडेशन सेक्शन 60-65% आपके डिजिटल प्रोफाइल के लिए, 60-65% अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किया है सो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको डिजिटल के लिए कॉल आएगी। एडवांस सेक्शन की अगर मैं बात करूं 50-60% भी देखो 50% ईजी है, अगर आपने 50% क्वेश्चन सोल्व किए होगे सो आपका ये सेक्शन की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कोडिंग में मिनिमम 1 क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भैया हमने एक क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केस पास कर दिए क्या हमें डिजिटल के लिए कॉल आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कंप्लीट 1 क्वेश्चन चाहिए आपको डिजिटल के लिए, अगर आपका कंप्लीट 1 क्वेश्चन सारे के सारे 100% टेस्ट केस पास है तभी आपको डिजिटल के लिए कॉल आएगी, ठीक है। अब चलते हैं प्राइम की कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। प्राइम की अगर मैं बात करूं फाउंडेशन सेक्शन में 65-70% एंड अगर आपके 66 है 64 है तब भी आपके प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने 60 की रेंज में किया है 60-70% अगर आपका एग्जाम सही गया है सो आपको डिजिटल और प्राइम की प्रोबेबिलिटी है कि आया तो आपको डिजिटल के लिए कॉल आ सकती है या आपके प्राइम के लिए कॉल आ सकती है। बट अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन दोनों किए हैं एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हो कि आपका एग्जाम कैसा गया था, आपने कितने क्वेश्चन रीजनिंग में किया है, कितने क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी में किया है, कितने कोडिंग क्वेश्चन सोल्व किया है, जितने ज़्यादा रिप्लाई मैं कर सकता हूँ मैं आपका रिप्लाई करूंगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हर एक स्टूडेंट्स को बताना है। एडवांस सेक्शन की बात करूं 65-70%, कोडिंग की बात करूं 1.5-2 कोडिंग क्वेश्चन। अब अगर आपने 2 कोडिंग क्वेश्चन किए हैं तो आप बिल्कुल एक सेफ जोन में चले गए,
ठीक है, बिल्कुल सेफ जोन में चलेगी कि आपको प्राइम के लिए कॉल आएगी। बट अगर आपने 1.5 क्वेश्चन सोल्व किए, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्राइम के लिए कॉल आ जाए, अदरवाइज डिजिटल के लिए आपका कंफर्मेशन है। ठीक है, सो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी, निंजा डिजिटल प्राइम ये मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, हमारा इंटरव्यू टॉपिक्स, कि भैया इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। सेपरेट सीरीज आप लोगों के लिए अमेजिंग अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, इंटरव्यू प्लेलिस्ट आने वाली है, इंटरव्यू पूरा कंप्लीट वन शॉट आने वाला है। हार मुझे नहीं पता कि 4 आवर का रहेगा, 5 आवर का रहेगा, 6 आवर का रहेगा, कितने भी घंटे का हो सकता है, बट ऐसा इंटरव्यू वन शॉट आएगा। आप लोग कहोगे कि भैया पूरे यूट्यूब पे वन शॉट है तो सिर्फ यही है, बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरव्यू वन शॉट अभी आने वाला है। कंप्लीट इंटरव्यू प्लेलिस्ट आने वाली है, टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। ऊप्स कवर कर लेना अच्छी तरीके से, SQL कवर कर लेना, DBMS कवर कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर लेना, कंप्यूटर नेटवर्क्स कवर कर लेना। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक है। अगर आपने ये कवर कर लिए, 70% इंटरव्यू का सिलेबस आपने कवर कर लिया। ठीक है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की नीड नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वेट करो, अभी इंटरव्यू वन शॉट आ जाएगा, इंटरव्यू प्लेलिस्ट आ जाएगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना रेज्यूमे अच्छी तरीके से चेक करा सकते हो, ATS स्कोर एंड कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, अपना मॉक इंटरव्यू कैसे दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, पिन कमेंट के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, हर एक स्टूडेंट्स को जाके अपना रेज्यूमे चेक करा लेना है, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा लेने हैं। प्लीज डू गो टू दैट वेबसाइट, दैट प्लेटफॉर्म, दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, अपने इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी से अपना रेज्यूमे परफेक्ट बनाओ, मॉक इंटरव्यूज दो, जिससे आप TCS का इंटरव्यू क्रैक कर लो। ये TCS जो अपॉर्चुनिटी है काफी ज्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से 100% इंटरव्यू कॉल आएगी एंड जो कन्वर्जन रेट होगा काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। 2024 बैच के अंदर जो बहुत एक बेकार बैच गया प्लेसमेंट्स के मामले में, अगर मैं बात करूँ इन द पॉइंट ऑफ व्यू प्लेसमेंट, अगर मैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, 2024 एक बिल्कुल बेकार बैच का है, बट TCS की वजह से प्लेसमेंट हुई है। TCS ने काफी स्टूडेंट्स को प्लेस कराया है 2024 के अंदर। अब आप सोच लो कि 2025 के अंदर क्या प्लेसमेंट जाने वाली है। सो अभी के अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, रेज्यूमे, मॉक इंटरव्यू, सारी चीजें स्टार्ट कर दो, जिससे आप लोग अपना इंटरव्यूज भी क्रैक कर सकते हो। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने वाले हैं इंटरव्यूज के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, बट वहां से भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होके सिलेक्शन रिजेक्शन होगा। सो आपको वो स्टूडेंट बनना है कि हमें सिलेक्शन लेके आना है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं निंजा के लिए जा रहा हूँ, डिजिटल के लिए जा रहा हूँ, प्राइम के लिए जा रहा हूँ, सो मुझे सिलेक्शन लेके आना है। सो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ एंड अपना रेज्यूमे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा लो। होप्स आपको कंप्लीट वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।